एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आपका नाम? विजय। देखिए, मैं एक लोकल न्यूज़पेपर न्यू एज का रिपोर्टर हूँ और मैं यहाँ उस ड्रग अब्यूज और असामाजिक गतिविधियों के बारे में एक सनसनीखेज रिपोर्ट देने आया हूँ जो कि सरेआम जारी है। मैं इस सेंटर का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर? जी। मतलब आजकल आप लोग ड्रग्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और इन नशेड़ियों की देखरेख करने के लिए एक सेंटर चला रहे हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल करना और इस काम में किसी की मदद करना गैर कानूनी है, जानते हैं आप? देखिए, अगर आपको वाकई एक सनसनीखेज स्टोरी की तलाश है तो मैं आपको उससे बेहतर स्टोरी दे सकता हूँ। आप प्लीज मेरे साथ मेरे ऑफिस में आइए। आइए ना, प्लीज आइए, आइए आइए। ये जगह है क्या और यहाँ आते रहने वाले ड्रग यूजर्स कौन है? क्योंकि मैं इन पर और इनकी एक्टिविटीज पर एक लंबे अरसे से नजर रखे हुए हूँ। ये जगह तो इनका सेंटर लगती है। आपने ठीक कहा, यह जगह ड्रग यूजर सेंटर है, लेकिन उन मायनों में नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये स्टोरी उस स्टोरी से तो एकदम अलग है जो मेरे दिमाग में थी। चाय लीजिए। और बंटी, कैसे हो? ठीक ठाक? चलो ठीक, तबीयत ठीक है ना? देखिए, मैं न सिर्फ यहां का प्रोजेक्ट मैनेजर हूं बल्कि मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी हूं। अब भारत में HIV एड्स के नियंत्रण की चुनौती के अलावा इस सिलसिले में लोगों में अज्ञानता है, बहुत सारे भ्रम भी हैं। मिसाल के तौर पर किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ में खाना खाने, उसके साथ में उठने बैठने से, उसे गले लगाने से, उसके साथ एक ही प्याले में चाय पीने से HIV एड्स नहीं फैलता है। तो इस सेंटर में हम HIV एड्स की रोकथाम में लोगों की मदद करते हैं, लोगों को जागरूक बनाते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं। देखिए, मैं बताऊं, उससे बेहतर ये होगा कि आप यहाँ होने वाली हर एक एक्टिविटी को खुद देखें तो आपको इस पूरे सेंटर के बारे में एक बेहतर समझ हासिल होगी। देखिए, एक DIC या ड्रॉप इन सेंटर IDU और उनके सेक्स पार्टनर्स के लिए स्वास्थ्य की देखरेख, इलाज और HIV के बारे में जागरूकता आसानी से हासिल करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। क्या आप जानते हैं कि इंजेक्टिंग ड्रग यूज यानी IDU भारत में HIV के फैलाव के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है? इससे पूरे देश में 9.2% यूजर्स संक्रमित हो रहे हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल करना एक समस्या है, पर इससे भी बड़ी समस्या है संक्रमण, जैसे HIV, TB, STD और अन्य बीमारियों का फैलना। इसके अलावा इन्फेक्टेड सुई सिरिंज का इस्तेमाल करने से भी कई तरह के इन्फेक्शन फैलते हैं। ये जो सेंटर है, ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में चलता है, और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री की एक डिवीजन है। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी ये जो क्लाइंट हैं, ये बेझिझक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए और मदद के लिए आ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि DIC की गतिविधियों से IDUs को, उनके परिवारों और समाज को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, जब तक कि वो इंजेक्शन का इस्तेमाल बंद नहीं कर देते। ड्रग अब्यूज सेंटर नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। चलिए, आप ही बताइए, क्या इन लोगों को जिंदगी में एक दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? पर आपने यही स्थान क्यों चुना? DIC किसी और अलग जगह पर काम क्यों नहीं करता? देखिए, DIC की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां IDUs आसानी से पहुंच सके, और इसी बात को ध्यान में रखकर, यानी IDUs के हॉटस्पॉट्स को ध्यान में रखकर DIC की लोकेशन का चुनाव किया जाता है। अगर ये लोग DIC तक पहुंच ही ना सकें तो फिर DIC का फायदा क्या? DIC में कुछ विशेष सुविधाएं और सेवाएं मुहैया कराने के लिए कई कमरे हैं जो कि खूब हवादार हैं। यहाँ के बाथरूम साफ सुथरे हैं और पानी की पर्याप्त आपूर्ति है। यहाँ आराम करने, गेम खेलने और अन्य गतिविधियों के लिए भी कमरे हैं, जैसे कि ट्रेनिंग और हमारे क्लाइंट्स यानी मरीजों को सुरक्षित आदतों के बारे में जागरूक बनाने की अन्य गतिविधियां, जैसे कि ये काउंसलिंग रूम है। यहाँ लोग अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं, वो सलाह पा सकते हैं और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। ये एक एग्जामिनेशन रूम है जहाँ हमारे क्लाइंट्स अपना इलाज करा सकते हैं, किसी डॉक्टर से मेडिकल सलाह और नर्स से देखरेख हासिल कर सकते हैं। हर DIC में एक ट्रेंड और क्वालिफाइड डॉक्टर होता है
और हमारे मरीजों द्वारा झेली जा रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का वो आकलन करने में हमारी मदद करता है। उन्हें अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वो रेफर भी करता है, यहां तक कि उन्हें फॉलोअप के लिए भी प्रेरित करता है। तो आप इन ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों को स्वास्थ्य सुविधाएं और मदद मुहैया कराते हैं जिन्हें के आप क्लाइंट्स कहते हैं। अब आप ठीक समझे, लेकिन आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे ही? देखिए, हमारा स्टाफ बेहद समर्पित है, प्रोफेशनल है, और हमारे पास में अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए भी योजना और परिकल्पना है। डीआईसी के कामकाज में स्टाफ की बहुत अहमियत होती है। मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर की कुछ खास जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि सुपरविजन करना, क्षमताओं का निर्माण करना, नीतियां और योजनाएं बनाना, उनकी निगरानी करना, कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाना वगैरह। इसके अलावा इस काम से जो अन्य संस्थाएं जुड़ी हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन भी करना होता है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रिपोर्ट भी करना होता है। क्या फिलहाल एक नए क्लाइंट का नाम दर्ज किया जा रहा है? जी, डीआईसी में किसी नए आईडीयू के स्वागत करने से जुड़े कई अहम कदम होते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख ही रहे हैं, उसका नाम रजिस्टर किया जाता है, फिर उसके बाद में उसे यहाँ उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जाती है, जैसे एचआईवी एड्स की जानकारी दी जाती है, एसटीआई के बारे में बताया जाता है, और सिरिंज का इस्तेमाल करने से अगर उसके जिस्म पर कोई जख्म है तो फिर उसका इलाज भी किया जाता है। एक बात बताइए, किसी क्लाइंट को यहाँ पर लाता कौन है? आईडीयू ही लाता है। आईडीयू? जी, एक ऐसा आईडीयू जिसने अपने दोस्तों को डीआईसी के बारे में बताने की जिम्मेदारी ले रखी होती है। हम इसे पीयर एजुकेटर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पीयर एजुकेटर जो है ये इस मशीनरी का एक अहम पुर्जा है। ये तो स्टाफ और क्लाइंट के बीच की एक इम्पोर्टेंट कड़ी होता है ना? बिल्कुल, अब आप इस पूरी बात को सही तरीके से समझ रहे हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण कदम होता है काउंसलिंग का, जिसमें आईडीयू को डीआईसी से परिचित करवाया जाता है और फिर उसे डीआईसी के अनुकूल बनाया जाता है। हमारे हर केंद्र में काउंसलर होते हैं जो सकारात्मक नतीजे सुनिश्चित कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो हर आईडीयू को अपनी, अपने परिवार और अपने जीवन साथी की सेहत को ठीक ठाक रखने संबंधी प्रेरणा देते हैं। दरअसल यही लोग यूजर्स के साथ निरंतर संपर्क बनाकर रखते हैं और उन्हें इंजेक्शन सेक्स से जुड़े सुरक्षित व्यवहार के बारे में शिक्षित भी करते हैं। काउंसलर या सलाहकार हमारे क्लाइंट्स को एचआईवी और अन्य मेडिकल टेस्ट कराने और अपनी हिस्ट्री के विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए प्रेरित करते हैं। हर आईडीयू की मेडिकल हिस्ट्री को समझना बेहद अहमियत रखता है और इसमें डॉक्टर के साथ विस्तृत विचार विमर्श करना भी शामिल है। वो बतौर ANM भी काम करते हैं और बुनियादी चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के अलावा इंजेक्शन से होने वाले जख्मों की देखभाल भी करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सहायता हमारे आउटरीच वर्कर यानी ORW मुहैया कराते हैं। वो आईडीयू तक पहुंच हासिल करने में मदद करते हैं, उन्हें हमारे कार्यक्रम के बारे में बताकर और हर आईडीयू को अलग अलग दिशा निर्देश और मदद देकर। हाँ, ORW के किसी समूह का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामकाज को बिना बाधा चलाने के लिए रोटेशन के आधार पर किया जा सकता है। असल में ORWs को हॉटस्पॉट के बारे में पूरी जानकारी होती है और वो ग्रुप डिस्कशन करते रहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग जो कुछ कर रहे हैं वो अब ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि आप अपने स्टाफ को चुनते किस तरह से हैं? देखिए, DIC टीम के सदस्यों में कुछ खास काबिलियतें होना बहुत जरूरी है जी। जैसे कि उन्हें जो लोकल कम्युनिटी है उसकी बुनियादी समझ होनी चाहिए, उनमें बातचीत करने और नुकसान को कम से कम करने की काबिलियत होनी चाहिए, और जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत करके संपर्क स्थापित करने की भी काबिलियत उनमें होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे दिशा निर्देश बताता हूँ जिन पर हमारे रोजमर्रा के कामकाज आधारित होते हैं। सेंटर की समय अवधि आईडीयू क्लाइंट के साथ सलाह मशवरा करके ही तय की जाती है। ये रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे खुलता है और आवश्यक सेवाएं मुहैया कराता है। आईडीयू का पंजीकरण किया जाता है, बुनियादी सूचनाएं दर्ज की जाती हैं और आईडीयू को NSEP, OST बैठकों और सामूहिक विचार विमर्श आदि जैसी सेवाएं और सूचनाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। हर दिन के खत्म होने पर स्टॉक की देखभाल के साथ साथ इन्वेंट्री की रिपोर्ट और DIC के अन्य सभी रिकॉर्डों को भी अंतिम रूप दिया जाता है। जहां तक मैंने देखा है, आपके सभी स्टाफ सदस्य बहुत ही सभ्य और विनम्र हैं। देखिए, DIC टीम के सदस्य के तौर पर हमें कुछ खास नियमों का पालन करना ही होता है। हम हमेशा क्लाइंट की गोपनीयता का सम्मान करते हैं, उसके जो कानूनी अधिकार हैं उनका उल्लंघन नहीं करते हैं और क्लाइंट के साथ हमेशा सम्मान से पेश आते हैं। मैंने ये भी देखा है कि आपके यहाँ खास वेस्ट मैनेजमेंट प्रणालियों का भी पालन किया जाता है। जी हाँ,
डीआईसी से निकलने वाला कचरा बायोहजार्ड माना जाता है और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नैको के दिशा निर्देशों का बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है। अच्छा विजय जी, वैसे सच कहूं तो मैं इन हाई स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं। थैंक यू। एक बात और जानना चाहूंगा, आपको तो स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों के साथ भी काफी बातचीत करनी पड़ती होगी। जी हाँ, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों के साथ में लगातार विचार विमर्श चलता रहता है। उसका फायदा ये होता है कि एक मददगार कानूनी फ्रेमवर्क और एक अनुकूल सामाजिक माहौल बना रहता है जी। और इसके अलावा हम लोकल ऑफिशियल्स के साथ में ड्रग्स के इस्तेमाल, इन्फेक्शन के बारे में और भेदभाव के बारे में भी बातचीत करते रहते हैं ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई समस्या आए तो उससे निपटा जा सके। आइए, इस तरफ आइए। पर आप लोग अपने क्लाइंट्स पर हमेशा तो नियंत्रण नहीं रख सके ना, क्योंकि इनमें से कई लोग तो मुझे भरोसेमंद नजर भी नहीं आए। देखिए, किसी भी तरह की इमरजेंसी, फिर चाहे वो ड्रग्स की बिक्री या ड्रग्स के इस्तेमाल से पैदा हुई हो, उससे निपटने के लिए हमारे पास में सुरक्षा उपाय तो होते ही जी। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई हिंसक घटना हो जाती है तो उसकी खबर हम फॉरन क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को देते हैं, और अगर फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है तो पुलिस को उसकी जानकारी दी जाती है। और मान लीजिए कि डीआईसी के जो सदस्य हैं, जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा को कोई खतरा पैदा होता है तो हम टेम्परेरी रूप से डीआईसी को बंद भी कर सकते हैं। आइए, मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। आइए। ये सब किस लिए? देखिए, डिस्प्ले और वितरण के लिए डीआईसी सेंटर में आईईसी सामग्री, यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन सामग्री, सेंटर पर बांटने व प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है, और इन्हें समय समय पर नैको और उसकी सहयोगी संस्थाओं जैसे कि UNODC द्वारा तैयार किया जाता है। और लगता है कि इन सबको बखूबी दर्ज भी किया जाता है। आप अपने रिकॉर्ड्स का हिसाब किताब कैसे रखते हैं? देखिए, हम हर रिकॉर्ड को लगातार एकदम सही सही पूरी गोपनीयता के साथ में मेंटेन करते हैं, और ये सारा काम नैको के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाता है। और बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर कामकाज में सुधार के लिए मैं समय समय पर समीक्षाएं करता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू। इसे कहते हैं रेफरल स्लिप जी। डीआईसी का जो स्टाफ है वो हर क्लाइंट के साथ अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए जो रेफरल दिया जाता है उसको फॉलोअप करता रहता है, उसका जायजा भी लेता रहता है। हम अस्पतालों से संपर्क बनाए रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो रेफरल दिया गया है उसके मुताबिक हमारे क्लाइंट्स को अस्पतालों में आगे के इलाज की सुविधा मिलती रहे। तो सर, ये है हमारी डीआईसी स्टोरी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्या करते हैं। देखिए, इस काम में हमें समाज की और खासतौर पर आप जैसे लोगों की मदद की बड़ी सख्त ज़रूरत है ताकि हम लोगों में जागरूकता फैला सकें और HIV/AIDS को काबू करने में हम मदद दे सकें। जी शुक्रिया मिस्टर विजय, मुझे लगता है कि नैको की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, और मैं अपनी तरफ से भी पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि इसका प्रचार प्रसार करने में मैं आपको पूरी मदद दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।